बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हो दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो 10:15 का टाइम हुआ है, अभी पेपर दे के आया हूँ। आज मेरा चौथा पेपर था, बाकी रह गए हैं 2 पेपर, तो वो भी अल्लाह खैर करेगा हो जाएंगे। तो जब हो जाएंगे फिर मेरा इरादा है वापस जाने का अपने घर में, क्यों इधर मेरा दिल बहुत मुश्किल से लग रहा है। ये जो मैंने दिन निकाले हैं ये गिन गिन के निकाले हैं, पता नहीं क्या हो रहा है इधर। पहले लग जाता था, मैंने 5 साल पहले निकाले हैं तो आसानी से निकल गए हैं, लेकिन अब जब से मेरा ये चैनल वाला प्रोग्राम शुरू हुआ है तो अब मेरा दिल लगता ही नहीं है इधर। क्यों, मुझे बस अपने चैनल की होती है कि वीडियो जो आप दोस्तों के साथ बात होती है मेरी वो रुक ना जाए। तो आज का पेपर मेरा सही बताऊंगा कि गुजारा हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है, तो देखी जाएगी क्या बनता है। तो पिछले दिनों ये परसों जो बारिश आई है उसकी वजह से हबस भी काफ़ी हो रहा है। मैंने उस दिन भी आपको आप दोस्तों को बताया था कि बारिश के जो दिन होता है वो तो मज़े का गुजर जाता है, लेकिन जो अगले 2-3 दिन होते हैं वो बहुत तंगी के होते हैं। क्यों, इसमें हवा भी चल रही हो तब भी हवा नहीं लगती है, तो हबस ज़्यादा होता है। ये अभी देख रहे हैं बहुत तेज़ी से ऐसे गर्मी लग रही है, बहुत तेज़ी से पसीना आ रहा है। तो अभी नीचे चलते हैं, मैं सिर्फ मोबाइल उठाने के लिए आया था क्योंकि मेरा सामान ऊपर ही पड़ा होता है, तो मेरा सब कुछ सामान पड़ा है, मैंने इधर ही रखा हुआ है। तो इसी वजह से अब बस मोबाइल मैं घर में छोड़ के जाता हूँ, हाल में मोबाइल ले जाने की इजाज़त नहीं है। तो अब आगे सिर्फ मोबाइल उठाने के लिए ऊपर आया था, अभी मैं नीचे चलता हूँ। हेलो करो, किसकी कॉल आई है? पापा। किधर है पापा? पे। हैं? किधर है? हेलो करो पापा के साथ, हेलो करो, हेलो करो। नहीं करनी? हेलो नहीं करनी? तो करो फिर। मैं अभी नीचे कमरे में हूँ, तो आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं है खाने पीने का। क्यों, सुबह का नाश्ता होता है और दोपहर को खाना खाते हैं हम इधर, यूँ ये हमारे घर वाली रूटीन नहीं है। तो खाना मैंने अभी पेपर दिया था तो और दोस्तों का कुछ प्रोग्राम था तो उसके बाद मैंने उनके साथ ही खाया, तो काफ़ी फुल होके खाया है तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, तो लगता नहीं है कि अभी कुछ भूख लगेगी, तो इस वजह से आज मेरा खाने का प्रोग्राम नहीं है। तो अभी मैं लैपटॉप लेके बैठा हूँ, ये देखें। तो क्यों, पेपरों की वजह से मैं इसको टाइम कम दे पा रहा हूँ, तो जो सूरत हाल है वो भी कम देख पा रहा हूँ, तो बहुत कम ही, तकरीबन 5 से 10 मिनट अब टाइम दूंगा, 5 से 10 मिनट शाम को टाइम दूंगा, बाकी टाइम मेरा या पेपर देखने में लग जाता है या मैं कोई वीडियो वगैरह शुरू कर लेता हूँ। तो आज भी मैंने व्लॉग शुरू किया हुआ है, तकरीबन 1 नागा पहले पेपर में हुआ है, दूसरे पेपर में मैंने व्लॉग बनाया है, तीसरे में फिर नागा हुआ है, तो आज चौथे में फिर बना रहा हूँ। ये हमारे नानी अम्मी का ना पानी का मसला था, तकरीबन इधर से पानी इधर को जाता था, तो मसला ये था कि जब तक पंप चलता था उस वक़्त तक पानी आता था, टैंकी में पानी नहीं जाता था। तो वो मिस्त्री आया था जोर के बाद, तो उधर से काट के तो बंद कर गया है, क्योंकि इधर से लगता था कहीं लीक है, जिसकी वजह से वो टैंकी में पानी नहीं जाता था तो नीचे आ जाता था, इधर से निकल जाता था। तो जब से ऐसे किया है तो पानी माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है, तो अब वो आएगा कोई सेटिंग करेगा। ये नानी मी ने अभी भैंसों को नहलाया, देखें कितनी मज़े से बैठी हैं, गर्मी काफ़ी है और ऐसे सुकून आता है इन्हें। ये हमारे मदरसे का, मैं अभी मदरसे में पहुँच जाऊँ तो ये आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ, ये हमारे मदरसे का छोटा सा पार्क है, छुट्टियों की वजह से भी ये भी उजड़ा पड़ा है। तो ये हरड़ का दरख्त है और ये सेब का पौधा लगा हुआ है, इस पर पहले सेब भी लगे हुए थे, मैं पास लेके जाता हूँ अभी, तो फ़िलहाल इधर से थोड़ा सा व्यू करवाता हूँ।
तो इधर नींबू है और ये अमरूद लगे हुए हैं पास। देखें कितना खूबसूरत मंदिर है। और वो हमारे एक उस्ताद आ रहे हैं जिन्होंने मुझे स्पेशल बुलाया है। तबीयत सेठ मेरी टोपी मेरी जेब में है। कितना खूबसूरत लग रहा है ना। स्टेडियम में जाना है? जाना तो है। चलते हैं पैदल ही। पैदल ही जाना, पैदल ही। ये अमरूद लगे हुए हैं हमारे मदरसे में। ये पौधे हैं, अमरूद के पौधे काफ़ी लगे हुए हैं इधर। ये सूरजमुखी का छोटा सा फूल है। इसकी खासियत ये है कि जिस तरफ सूरज का रुख होगा ना उसी तरफ इसका चेहरा होगा। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। वो गए थे उन्होंने वापस कर दिए। अभी हम उकाड़ा का जो स्टेडियम है उसकी तरफ जा रहे हैं और साथ मेरे उस्ताद भी हैं। नहीं है ना। ये हमारा उकाड़ा का स्टेडियम है। ये सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है और वो गेट है। नहीं शानी का तो ये है ना कि हम अगर उसकी वीडियो बना भी अगर उसका अपना चैनल हो तो वो कॉपीराइट स्ट्राइक देख सकते हैं। ये मसला होता है इसलिए मैं रुक गया हूँ। ये हमारे उकाड़ा का स्टेडियम का अंदरूनी जो जगह है वो शुरू हो रही है। उधर कैमरे लगते हैं जो इधर की वीडियो बनाई जाती है। ये इधर फुटबॉल का ग्राउंड है। ये फुल इस साइड पे वो देखें फुटबॉल का कुछ लोग खेल भी रहे हैं। उधर भी हम चलते हैं। और ये जो ग्राउंड है ये हार्डबॉल का, हार्डबॉल के जो मैच लगते हैं वो इधर लगते हैं। ये देखें चारों तरफ लाइटें भी लगी हुई हैं और बहुत बड़ा ग्राउंड है ये। तो इधर टेस्ट वगैरह जो सीखते हैं वो लगे रहते हैं। हमारे बच्चे लगे हुए हैं खेलने वाले। ये देखना ये फुटबॉल जो खेलते हैं उनकी ट्रेनिंग हो रही है, उनको तैयार किया जा रहा है। और इधर इनकी ये बिल्डिंग है, फुटबॉल वाले मैच जो शुरू होते हैं उनकी बिल्डिंग इधर है। इसको इधर तो स्टेडियम बोलते हैं लेकिन मैं इसको स्टेडियम नहीं कह सकता हूँ, एक ग्राउंड कह सकता हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हबस है और आप देख रहे हैं पसीना काफ़ी आ रहा है मुझे। हो गया ही छक्का मारा, चौका मारे छक्का। Thank you.
तो जी इस काम में शौक होना चाहिए फिर मजा आता है काम करने का। शौक नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं कर सकेगा। काफी है नेस पैदल आए।